मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और सुबह का टाइम है। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने की। आज हस्बैंड का ऑफ है और इसके बाद हमें एक्चुअली बाहर जाना है आउटिंग पे, तो इसलिए सारे काम मैंने फटाफट से कर लिए। और आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, सुबह से ही धूप है और खिली खिली धूप है, तो मैंने सोचा चलो आज आउटिंग कर लेते हैं, क्योंकि बारिश में तो कहीं हो नहीं पाता है घूमना। तो बहुत दिनों से मैं ग्रॉसरी शॉपिंग का सोच रही थी, लेकिन ग्रॉसरी शॉपिंग हो नहीं पाई। हम गए तो थे, तो वो पूरी चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी। तो फिलहाल यहाँ पे गर्मा गर्म नाश्ता बन रहा है और नाश्ते में सिंपल से पराठे रहेंगे और साथ में अचार और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। जाने के लिए पूरे रेडी हो गए हैं और मास्क ही भूल गए, तो अभी दोबारा गए हैं हस्बैंड मास्क लेने के लिए। मास्क लेके आएंगे और हम लोग जा रहे हैं आज ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो बड़े दिनों के बाद आउटिंग हो रही है और जाना भी ज़रूरी था। सामान हमारा थोड़ा बहुत ख़त्म हो रहा था, काफ़ी टाइम से लाना था, तो आज ले आते हैं। वेदर भी काफ़ी अच्छा है, धूप आई हुई है और नाश्ता हो गया, सब हो गया है। 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो सुबह सुबह जल्दी जाएंगे तो जल्दी भी आ जाएंगे। ये सारे के लिए आए, ये कार में ही रख देती हूँ, जरूरत पड़ती है। गुड मॉर्निंग। पूजा पाठ करके और दिया बाती करके मिस्टर रावत रेडी हो चुके हैं। जब इतने दिनों के बाद बाहर निकले और इतनी गर्मी हो रही है, और रिलायंस मार्केट गए थे हम लोग, वहाँ जाके पता चला कि रिलायंस मार्केट में एंट्री बंद है, मतलब कस्टमर्स को अंदर नहीं जाने दे रहे, तो इसलिए हम लोग वापस आ गए। और अब हम कहीं और जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि संडे को ना यहाँ ज़्यादातर बंद रहता है, कोई कोई स्टोर जो है खुले रहता है, तो हमने सोचा कि आज खुला होगा। और इतने दिनों से सामान लाना पेंडिंग पड़ा हुआ था और मिस्टर रावत भी छुट्टी नहीं ले पा रहे थे, तो इस वजह से हम संडे को आ गए। थोड़ी सी आउटिंग भी हो गई इसी बहाने, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे और गर्मी भी काफ़ी है यहाँ पे। जब भी हम लोग आते हैं ट्रैफिक में फंस जाते हैं। कौन सी जगह है ये? बल्लूपुर, बल्लूपुर चौक। यहाँ पे हमेशा ही ट्रैफिक रहता है, यहाँ से उधर जाते हैं ना विकास नगर, और यहाँ से हाँ मंदिर वाला रास्ता है। राजपुर रोड पे पहुंचते बहुत अच्छा वेदर हो जाता है, हरियाली बहुत है इधर, तो इस वजह से ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। देखो सब जगह आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे यहाँ पे। आपने मेरा न्यू ईयर वाला ब्लॉग देखा होगा, तो हम लोग इस मंदिर में आए थे न्यू ईयर के दिन। जय भोलेनाथ। यहाँ भंडारा होने वाला है कल, होगी ना, यहाँ पे बहुत भीड़ होगी क्योंकि कल सावन का सोमवार है। अभी भी देखो कितनी सारी गाड़ियां लगी हुई है। ऊपर मसूरी का व्यू है, देखो कितना अच्छा लग रहा है मसूरी। ऊपर साइड बारिश हो रही है खूब।
मैगी पॉइंट पे, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। पीछे से ना नीचे साइड देहरादून दिख रहा है पूरा, और कैमरे में शायद अभी दिख नहीं पा रहा है क्लियर, मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी आपको। और अभी हम लोग मैगी चाय ऑर्डर करने वाले हैं, अच्छा लगता है ऐसे वेदर में। नहीं है वो उसमें टाइम लगेगा आधा पौन घंटा। स्प्रिंग रोल और मैगी। देहरादून में कैसे धूप आ रही है? देहरादून में धूप है? हाँ उधर साइड धूप है, अभी हम लोग उधर ही से तो आए थे, उधर धूप है। और जैसे हम ऊपर को आए इतने काले काले बादल लगे हुए हैं यहाँ पे। मैगी, मैगी भी ऑर्डर की है, चाय भी, ठीक। ठीक है मैं भी टेस्ट करती हूँ, गरम है अभी तो। चटनी तो वही वाली लग रही, मोमो वाली। बढ़िया हो रही हो ये ना, मुझे उतना खास नहीं लगता है, मैं स्प्रिंग रोल कभी भी नहीं मंगाती हूँ। ये आ गई मेरी मैगी, गर्मा गर्म मैगी, और बरसात का मौसम और पहाड़ों का व्यू, कितना अच्छा लगता है ना। चाय तो दिखा दो अपनी, मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी सी। अदरक वाली है ना। और देखो बारिश भी होने लग गई, बहुत तेज हो रही है। वाओ दिन बड़ा अच्छा है, हम लोग घूमने आए और बारिश भी हो गई। सब लोग बारिश की वजह से रुक गए, सब मसूरी जा रहे होंगे, आज संडे है ना। आज की आउटिंग बहुत अच्छी होगी, वैसे बारिश में घूमने का अलग ही मजा आता है। दरवाजे पूरे चमक गए आज तो। अब नए तरीके का पेंट लगा दिया इन्होंने, है ना, अच्छा लग रहा है। ये सिंपल वाला पॉलिश नहीं लगाई, ये विंडो भी कर दी, वो रोशनदान भी कर दिया। ये जैसा गांव में लगाते हैं ना वैसा वाला लगा। देखो रोशनदान भी कर दिया, विंडो भी कर दी। हमारा दरवाजा आज नया हो गया, अभी ये सूखने दो उसको, इसको टच मत करना। ये खिड़कियाँ चिपक तो नहीं जाएंगी? शाम को खोल लेंगे इनको, है ना। अब देखो हमारे विंडो और हमारे दरवाजे एकदम नए हो गए। शाम के 4:30 बज गए हैं, हम लोग काफी टाइम पहले आ चुके थे, 12:30 बजे घर पहुंच गए थे। हम लोग ज्यादा दूर गए नहीं, वैसे भी सिर्फ मैगी पॉइंट तक गए थे, और वहां पे बारिश होने लगी, वेदर बहुत अच्छा हो गया था। ऊपर साइड ना बहुत अच्छा वेदर है मसूरी की तरफ, बहुत अच्छा लगा आउटिंग करके। इतने दिनों के बाद हम लोग कहीं पे आउटिंग के लिए गए, और मैं बहुत दिन से कह रही थी हस्बैंड से कि चलो मैगी पॉइंट चलते हैं, मैगी वगैरह खा के आएंगे, चाय पी के आएंगे। तो आज वो फाइनली विश पूरी कर दी, और बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हमें जाना मैगी पॉइंट था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो रिलायंस मार्केट भी खुला हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग वहां भी होके आ गए, लेकिन वो बंद था, तो इसलिए आज हमारी ग्रोसरी शॉपिंग नहीं हो पाई। फिर हम लोग गए मैगी पॉइंट, और वहाँ आधा एक घंटा हम लोग बैठ के आए, और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा था, मतलब पीछे के दरवाजा और विंडो इन पे पेंट होना था, क्योंकि बारिश की वजह से खराब हो रहे थे, तो ये आज पेंट हो चुके हैं। और वहां से आने के बाद ना ये वाले मैट्रेस जो है थोड़ी देर हमने धूप में रखे थे, आधा एक घंटा करीब, क्योंकि बहुत दिन से इनको सुखाना था, और आज हस्बैंड घर पे थे तो दोनों ने मिलके एक मैट्रेस जो है धूप में सुखाए, तो इसी वजह से इस रूम की हालत थोड़ी सी खराब हुई है,
इसको मुझे अभी ठीक करना है, बेडशीट वगैरह भी बिछानी है और कपड़े लगाए हुए हैं मशीन में, कपड़े भी वॉश करने हैं। बाकी सारा काम तो मैं मॉर्निंग में करके गई थी, सिर्फ कपड़े रह गए थे। और वहां से आके थोड़ा ये रूम की हालत थोड़ी खराब हो गई है, क्योंकि बेडशीट वगैरह निकाली है और दूसरी बेडशीट बिछानी है। अभी तो ये 2-3 दिन और सूखेंगे मैट्रेस, तो तब अच्छे से ये सूख पाएंगे। वैसे अभी मैं स्मेल वगैरह नहीं है और बारिश भी अब कम हो रही है, इधर साइड नहीं हुई थी बारिश, मसूरी में हुई थी, तो अच्छा लगा। आज का दिन काफी अच्छा रहा। और थोड़ी देर में चाय बनाती हूँ मैं, पहले कपड़े वगैरह वॉश करूंगी और उसके बाद बनाते हैं गर्मा गर्म चाय। बाहर एकदम बारिश वाला वेदर हो गया है और यहाँ पे किचन मैंने समेट ली, थोड़ी गंदी हो रही थी तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। लंच मैंने आज नहीं बनाया, लेकिन थोड़े बहुत बर्तन धो जाते हैं तो सारे मैंने क्लीन किए और काउंटर टॉप क्लीन किया। बाहर से ये टमाटर लेके आए थे, बीन्स लेके आए थे, तो इनको भी मैंने वॉश करके रख दिया है ड्रेन आउट होने के लिए। और इसके बाद शाम के स्नैक्स की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो चाय पकोड़े बनाने का प्लान है आज। हस्बैंड को काफ़ी मन कर रहा था पकोड़े खाने का गर्मा गर्म, तो यहाँ पर मैं आलू के पकोड़े बना रही हूँ, क्योंकि प्याज घर में ख़त्म हो गई थी तो सिर्फ आलू के पकोड़े बनने जा रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी मैंने डाली है, क्योंकि हस्बैंड को तीखे एकदम स्पाइसी वाले पकोड़े बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च भी ऊपर से काट के डाल दी है ताकि पकोड़े जो हैं काफ़ी स्पाइसी बने। तो एक साइड मैंने पकोड़े की सारी प्रिपरेशन कर दी है और मीनवाइल यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं फटाफट से गर्मा गर्म पकोड़े फ्राई कर लूँगी। और दूसरी साइड मैंने चाय भी रख दी है, तो जब तक चाय बनके तैयार होगी तब तक हमारे गर्मा गर्म पकोड़े बनके तैयार हो जाएंगे। गर्मा गर्म आलू के पकोड़े बनके तैयार हैं, साथ में चाय भी बन चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग गर्मा गर्म इवनिंग स्नैक्स एंजॉय करने जा रहे हैं। और साथ ही मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और जो लोग चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।